वक्त की बड़ी खबर, आज नहीं आएगा विनेश फोगाट पर फैसला, अब कल आएगा सीएस से फैसला। सीएस ने की थी विनेश की शिकायत पर सुनवाई, डॉक्टर एनाबेल बेननेट की अदालत में सुनवाई हुई है। आपको बताते चले कि सीएस ने सुनवाई के बाद फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट यानी कि सीएस में सुनवाई हुई। ओवरवेट होने पर विनेश फोगाट दरअसल डिस्क्वालीफाई हुई थी और उनकी तरफ से सिल्वर मेडल को लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया। इस पर सुनवाई हो चुकी है और अब कल इस पूरे मामले में फैसला आएगा, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि आज 9:30 बजे तक फैसला सामने आ सकता है, लेकिन अब इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान दलीलें भी रखी गई विनेश भी, क्योंकि इस पूरे सुनवाई के दौरान विजुअली वर्चुअली वहां पर अपेयर हुई थी कोर्ट में और उन्होंने भी अपनी बात रखी। उनकी तरफ से हरीश सालवे, क्योंकि पूरा केस लड़ रहे थे, तो उनकी तरफ से हर एक पहलू का जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि किस तरीके से क्वार्टर फाइनल से लेकर के सेमीफाइनल तक विनेश ने जीत हासिल की और उसके बाद वेट की वजह से 100 ग्राम वजन को लेकर के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिस वजह से गोल्ड मेडल के लिए वो मैच नहीं खेल पाई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सीएस में सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब उम्मीद इस बात को लेकर के देश कह रहा है कि जब सीएस का कल फैसला आएगा तो देश के लिए एक गुड न्यूज़ भी आए। सीएस ने विनेश के फैसले पर सुनवाई की है, डॉक्टर एनाबेल बेनेट की अदालत में पूरे मामले पर सुनवाई हुई। 100 ग्राम से विनेश डिस्क्वालीफाई हुई थी और अब कल फैसला आएगा विनेश फोगाट को लेकर के, इस वक्त के सबसे बड़ी खबर। क्योंकि जिस तरीके से 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश खेल रही थी और पहलवान विनेश फोगाट जब ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी तो हर किसी की आंखें नम थी, अब कल फैसला आएगा और कल सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिरकार सीएस का फैसला क्या आता है।